एक बार एक सज्जन से हमने कहा, ये कुत्ता काहे को पालते हो? बोले क्यों? हमने कहा हम आते हैं तो बड़ा डर लगता है, कुत्ता है। अच्छा एक बात आपने देखोगी, कुत्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं पूरे निश्चिंत होते हैं, और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है। वो कहता भाई साहब चले आओ चले आओ, वो कुछ नहीं बोले, वो भाव करेगा आ जाओ आ जाओ। अब आप क्या क्या मुसीबत है तो भाई, मुझे तो डर लगता। तो मैंने कहा कि ये काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वह भी बड़ा अद्भुत था। वह कहने लगा महाराज जमाना खराब है, कब कौन आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुत्ता रखते हैं, पालना जरूरी हो गया है। मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका, पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है, कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। हमें विचार करना चाहिए। एक बार कुत्तों में झगड़ा हुआ, कुत्तों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होते ही कुत्तों में हुआ और डट के हुआ हमारा। सब बाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए, फिर एक कुत्ता भागा, अब नहीं आऊंगा। दूसरे बोले आना मत, कुत्ता ही ठहरा। तीसरे दिन फिर आ गया, तो बाकी के कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहाँ से अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान है हम, तुझे फिर दल में ले लें, क्या इंसान है हम आदमी है जो ऐसा करें? हम कुत्ते हैं, हमारा भी सिद्धांत है, ये तो हमारी हालत हो गई है। एक कस्बा नुमा छोटा सा शहर, एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था, प्यास लगी, त्रशाकुल उस बटोही के छटपटाते नयन चारों तरफ दृष्टिपात कर रहे थे। न कोई पौशाला, न कोई कुप, न नल, मिले कहां जल। बेचारा बिहाल था, प्राण कंठगत हो रहे थे। तब तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन, भवन की खुली हुई थी खिड़की, द्वार भी खुला था। झांक कर देखा एक श्रीमंत सिर झुकाए बैठे हैं, पास में ही जल से भरी सुराही रखी है, उस पर गिलास ढका हुआ है। राहगीर को लगा कि यहाँ पानी मिल जाएगा, चला गया बेचारा। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला बाबूजी बाबूजी दो घूंट पानी मिल जाएगा। उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाई, लगभग झिड़कते हुए बोला क्या बात है क्या बात है, पहले बताओ घुसे कैसे, यहाँ आए कैसे, क्या बात है? बाबूजी प्यास लग रही है, दो घूंट पानी मिल जाएगा, पानी पिला देंगे। पानी? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? इतने बड़े आदमी से कह रहे हो पानी पिला दो? हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते ना। यहाँ नल है, कुआं है, पौशाला है, क्या है, चले आए, पानी पिला दो पानी पिला दो। देखते नहीं है एक भद्र पुरुष का भवन है, शरीफ आदमी का घर है। राहगीर हाथ जोड़ के बोला सो तो देख ही रहे हैं, अवश्य सज्जन पुरुष का निवास है। परिभाषाएं बदल गई है महाराज, पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम, अब यह लिखा नहीं मिलता। अब भवन के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के द्वार पर लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। तो उस राहगीर ने कहा कि भूल से आ ही गए, गलती से आ गए, तो पानी पिलवा दो, पानी पिलवा दे। तो नाराज हुआ, गले ही पड़ गए तुम, बैठ जाओ। अब उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो। मौके पर कोई नहीं था, तो धनी आदमी राहगीर से बोला बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूँ। आदमी माने नौकर, आदमी आजकल वही कहे जाते, कितने आदमी काम कर रहे हैं, सचमुच बिचारी जो काम करे वही तो आदमी है। तो उनका किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूँ। पर मजे की बात, बड़े आदमी के आदमी कोई मौके पर नहीं थे। तब राहगीर के प्राण कंठगत होने लगे, तो बाबू जी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के मारे। तो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवा देता हूँ।
तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पंडुपियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आदमी की तरह आज धरती पर रहना नहीं आता।